मोहब्बत की दुकान फ्रेंचाइजी के घर से सैकड़ों करोड़ रुपए नकद बरामद होना यह साबित करती है कि कांग्रेस शुरू से ही भ्रष्टाचार के कारनामों में लिप्त है। वहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार का एटीएम मशीन बन गई है। कांग्रेसी नेताओं के घर से अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वहीं रमेश झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने से मिले लगभग 300 करोड़ रुपए कैश एवं करोड़ों रुपए के जेवर बरामद किए गए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता जांच एजेंसियों के खिलाफ हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन देश की जनता सब कुछ देख रही है। नोटों के बंडल, करोड़ रुपए नगद, सोने चांदी एवं अचल संपत्ति किनके पास से बरामद हो रही है। उक्त बातें शनिवार को बिहार सरकार की पूर्व मंत्री सहरसा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विगत 6 दिसंबर से कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के कई व्यापारिक ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में किए गए ईडी की छापेमारी में अब तक 300 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं, जबकि अभी भी गिनती जारी है। उन्होंने कहा कि इस देश में अब तक जितने भी छापेमारी में नोट बरामद किए गए हैं, यह अभी तक की सबसे बड़ी राशि का खुलासा है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, जिन्होंने अब तक देश की खजानों को लूटा है, भ्रष्टाचार एवं घोटाला किया है, उन सभी लोगों को जनता के पास पाई पाई पैसा वापस करना ही होगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो इंडिया गठबंधन में सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के आरोपी से घिरी हुई है, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसका उदाहरण जनता के समक्ष है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि दो दो बार चतरा लोकसभा से चुनाव हार चुके धीरज साहू को कांग्रेस ने पैसे के बल पर तीसरी बार राज्यसभा सांसद बनाया। धीरज साहू जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उनके कई प्रतिष्ठानों पर बरामद किया गया है, जिसकी गिनती जारी है। पता नहीं 1000 करोड़ 2000 करोड़ तक जा सकता है। उसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के दौरान निर्णय लिया गया। आज जिला मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय भ्रष्टाचार के विषय पर यह प्रेस वार्ता रखा गया है। आप सब लोगों को पता है कि झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी, जिनके व्यापारिक समूह पर तीन राज्यों में जो 6 दिसंबर से लगातार आईटी का रेड चल रहा है, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए अभी तक इस रेड में पकड़ा चुका है, आगे भी गिनती चल रही है। कई मशीन खराब हो चुका है, बड़ी बड़ी नोटों को गिनती के लिए मशीन मंगाया गया है और लगातार गिनती जारी है। यह हो सकता है कि 1000 करोड़ रुपए तक यह कैश जाए। आप सबको पता होगा कि भारत में होने वाला रेड में कानूनी तौर पर अभी तक का यह सबसे बड़ा अधिक राशि पकड़ा जाने वाला रेड है। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी में दो दो बार लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया है। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि जब दो बार लोकसभा का चुनाव हार गए, धीरज साहू जी हार गए, तो क्या मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी का? यही मजबूरी थी, क्योंकि यह मालदार पार्टी कांग्रेस पार्टी का ये भ्रष्टाचार के एटीएम है। इनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के सोनिया जी का एटीएम के रूप में इसका उपयोग करती हैं सोनिया जी, इसीलिए इनको राज्यसभा सांसद का पद दिया गया था। आज जिस प्रकार से एनडी अलायंस के प्रमुख दल कांग्रेस और कांग्रेस के लोग इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का के कमाई का जो भी लूटेगा
जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको पाए पाए लौटाना पड़ेगा, और उस लौटाने के प्रक्रिया में आज धीरज साहू के यहाँ यह रेड हुआ है। इसी विषय को लेकर के आज यह प्रेस वार्ता है।